हाँ, विधानसभा सीट का उपचुनाव अब दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी और वीआईपी ही आमने सामने हैं। आरजेडी ने भी उम्मीदवार तय कर लिया है, वहीं कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। गोचहा में किसके हाथ लगेगी बाजी, एक सीट पर किसकी कितनी दावेदारी, आज पुनः उनके उम्मीदवार को लेकर करके भाग गया आरजेडी। बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पूरी तरह से एनडीए स्वाहा हो जाएगा। सुना आपने, एक सीट की जंग में सियासी तंज कसे जा रहे हैं। वैसे तो मुकेश सहनी एनडीए के साथ हैं, लेकिन बीजेपी उन पर आग उगल रही है। यूपी चुनाव के बाद से दूरियां ऐसी बढ़ी कि बोचहा सीट पर बीजेपी ने दावा ठोक दिया। अब सभी की अपनी अपनी दावेदारी है और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया, चुनाव हारने के बाद भी एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, जिस सम्मान का वह सम्मान नहीं कर सका, वैसे व्यक्ति को हर जगह अपमान ही झेलना पड़ेगा। ये बात तय हो गई है, मुकेश सहनी न घर के रहे न घाट के। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुसाफिर पासवान जी को उनके निधन के बाद सच्ची श्रद्धांजलि दी, उनके पुत्र को सम्मान दिया और जनता के बीच में राष्ट्रीय जनता दल का टिकट देकर भेजा है। भारी मतों से मुसाफिर पासवान जी के पुत्र अमर पासवान जी की जीत होगी। बोचहा में कहीं कोई मुकाबला नहीं है, वहां एनडीए का स्वाहा होना तय है। कांग्रेस पार्टी बोचहा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में सशक्त और मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी उतारेगी और कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन करने का सवाल कहां उठता, जब यह पिछले ही उपचुनाव में तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अकेले और अपने दम पे आगे बढ़ेगी। कांग्रेस ने यह दांव भी चल दिया है कि अगर मुकेश सहनी पार्टी आलाकमान से बात कर लें तो समर्थन पर फैसला हो सकता है। अगर मुकेश सहनी जी हमारे आला कमान से बात करेंगे, उनका तो नेशनल पार्टी ना है, यहाँ भी लड़े, यूपी में भी लड़े, दूसरे जगह भी लड़ते हैं, तो वो तो कहते हैं नेशनल इशू है, ये तो लोकल इशू है नहीं। तो अगर वहाँ हमारे नेता से बातचीत करेंगे, नेता का निर्देश होगा तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे हम। लेकिन हम नहीं समझते इस दिशा में अभी कोई प्रगति हुई है या उन्होंने कोई ऐसा प्रयास किया है। बोचहा में मुकाबला दिलचस्प हो गया है और ये मतदाता तय करेंगे कि बाजी किसके हाथ लगती है। आशुतोष, जी मीडिया, पटना। बोचहा उपचुनाव में एनडीए के दो दल बीजेपी और वीआईपी आमने सामने हैं और इस मसले पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने अपनी राय रखी। पार्टी ने उनको उस समय मौका दिया था, लेकिन आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपनी तैयारी कर चुकी है। हम लोगों ने अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी है, जो पार्टी के हमारी महामंत्री हैं, पूर्व में उसी क्षेत्र से हमारी विधायिका भी रही थी, तो उस समय हम लोगों ने कहीं ना कहीं कई परिस्थितियों बस उस सीटें छोड़ी थी, लेकिन आज हम लोग को लगता है कि वो सीटें हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं और हमारी प्रत्याशी भी वहाँ से विधायिका रही हैं और काफ़ी संघर्षशील महिला रही हैं और उन्होंने समाज के साथ जिस प्रकार से मिलकर काम किया है, तो हम आश्वस्त हैं कि बेबी कुमारी के रूप में एक अच्छा